दोस्तों आपने देखा होगा जो कि आपका सीलिंग फैन होता है, या फिर अगर हम बात करें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के, जो कि वाटर पंप हो गया, तो वहां पर क्या होता है कि जब उसका कैपेसिटर वीक हो जाता है तब क्या होता है कि उसका जो स्पीड होता है वो डिक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर हम कैपेसिटर को चेंज कर दें, अगर हम नए कैपेसिटर वहां पर डाल दें, तो क्या होता है कि उसका जो स्पीड होता है वो बढ़ जाता है। तो ऐसा क्या रीजन होता है कि जिसके बदले अगर कैपेसिटर वीक होता है तो उसका स्पीड डिक्रीज होता है, अगर हम कैपेसिटर को यहाँ पर नया लगाते हैं तो इसका जो स्पीड है ये फिर से इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट समझने वाले हैं कि रीजन क्या होता है। अगर आप समझना चाहते हो तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आप यहीं से वीडियो को छोड़ सकते हो। तो ये आपके सामने एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का सर्किट डायग्राम है, जहां पर आपको दो वाइंडिंग मिलता है। एक होता है मेन फील्ड, जिसे बोलते हैं रनिंग वाइंडिंग या फिर रनिंग फील्ड, और एक होता है आपका स्टार्टिंग फील्ड, और जिसे बोलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, एक फील्ड होता है जिसे हम बोलते हैं मेन फील्ड, वो पंखे को या फिर मोटर को वो रन करवाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर स्टार्टिंग फील्ड की, इसका काम क्या होता है कि पंखे को या फिर मोटर को स्टार्ट करवाता है। ठीक है, और जो कैपेसिटर हम लगाते हैं इसको हम ऑलवेज सीरीज करते हैं किसके साथ, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ। ठीक है, बात करें यहाँ पर सीलिंग फैन की, तो यहाँ पर हम जो कैपेसिटर यूज करते हैं वो बेसिकली हम यूज करते हैं 2.5 माइक्रो फैराडे एंड 440 वोल्ट का। दोस्तों अगर हम सीलिंग फैन से अगर हम कैपेसिटर को निकाल दें और उसको अगर हम पावर सप्लाई देंगे तो क्या होगा, मूव नहीं करेगा। अगर हम उसको हाथ से या फिर किसी एक एक्सटर्नल फोर्स से अगर हम उसको मूव करवा दें तब क्या होगा, जो सीलिंग फैन है वो मूव करेगा। कितने तेजी से मूव करेगा, जितने तेजी से हमने उसको फोर्स डाला था, जितने तेजी से हमने उसको घुमाया था वो उतने ही तेजी से वो घूमने लगेगा। ठीक है, उसके अलावा उसका जो स्पीड है इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन जब कैपेसिटर हम डालते हैं तब क्या होता है कि फैन के अंदर एक स्टार्टिंग टॉर्क क्रिएट होता है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है वहां पर एक स्टार्टिंग टॉर्क क्रिएट होता है, और उसी स्टार्टिंग टॉर्क के वजह से जो कि आपका सीलिंग फैन होता है या फिर जो कोई मोटर हो गया वो क्या करता है कि वो घूमने लगता है। अगर हम बात करें एक मोटर की टॉर्क की, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है कि T इज इक्वल टू के फाई, जो कि आपका होता है फ्लक्स, ओके, फ्लक्स आई आई आर इंटू कॉस फाई आर। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है कि के जो कि आपका कांस्टेंट रहता है, के इसको हम निकाल लेते हैं तो कांस्टेंट होता है। तो अगर हम बात करें टॉर्क के फॉर्मूला तो क्या होता है इसका, फाई आर, फाई यानी कि फ्लक्स, रोटर का फ्लक्स कितना होता है, और करंट, रोटर का करंट कितना होता है, और कॉस फाई आर, रोटर का पावर फैक्टर कितना होता है। तो ये जो आपका फ्लक्स है, जो करंट है, जो कि आपका पावर फैक्टर रोटर का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेटर के ऊपर। क्योंकि जब तक स्टेटर में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा तब तक स्टार्ट रोटर के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। जब तक स्टार्टर के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा तब तक आपका रोटर के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। और ये जो करंट है डिपेंड करता है आपका स्टेटर के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, और ये जो फ्लक्स है ये भी डिपेंड करता है कि स्टेटर में कितना फ्लक्स क्रिएट हो रहा है। ठीक है, जब आपका कैपेसिटर जब डिक्रीज होता है तो उसके वजह से क्या होता है कि आपका जो टॉर्क होता है ये डिक्रीज होता है। टॉर्क किसलिए डिक्रीज होता है, क्योंकि कैपेसिटर डिक्रीज होने की वजह से आपका जो फ्लक्स होता है और जो करंट होता है ये भी यहाँ पर डिक्रीज होता है रोटर का। तो रोटर का करंट एंड फ्लक्स किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके स्टार्टर के ऊपर। ठीक है, और स्टार्टर पर क्या है, आपका दो वाइंडिंग है, एक है आपका मेन फील्ड वाइंडिंग, एक है आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग। ओके, यानी कैपेसिटर डिक्रीज होने की वजह से करंट कैसे यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए, जो कि कैपेसिटेंस होता है इसके अंदर से कितना करंट फ्लो करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि इस कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होता है। ठीक है, अगर हम इस कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर हम कैलकुलेट करें XC, ओके, तो XC इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, 1/ωC। ओके, तो ओमेगा को हम क्या लिखते हैं, 1/ω इज इक्वल टू 2πf, और सी को यहाँ पर हमने डाल दिया सी। यहाँ पर जो कि आपका 2 और 5 होता है यहाँ पर कांस्टेंट होता है, और जो फ्रीक्वेंसी होता है ये थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है, लेकिन यहाँ पर हम कांस्टेंट ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं, 50 हर्ट्ज, 2π × 50 × कैपेसिटेंस कितना है आपका 2.5, ये कितना हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁶ फैराडे। ठीक है, हमारे पास है ये 2.5 माइक्रो फैराडे, इसको हमें कन्वर्ट करना है फैराडे में। ठीक है, वैल्यू कितना आता है, 1273.24 ओम। ठीक है, तो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस यहाँ पर कितना आता है, 1273.24 ओम। ठीक है,
इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर करंट कैलकुलेट करें तो आई इज इक्वल यहाँ पर क्या होगा, आई इज इक्वल टू आपके पास सप्लाई वोल्टेज हमने यहाँ पर दे रखा है 230 वोल्ट, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा आपका वी बाई आर। यहाँ पर हम सिंपल से समझने की कोशिश करते हैं, पावर फैक्टर को यहाँ पर हम नहीं डालते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा आपका वी बाय आर, ठीक है। वोल्टेज कितना है 230 वोल्ट और आर कितना है, आर यानी कि हमने यहाँ पर जो कि आपका कैपेसिटर है उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हमने ले रखा है, ठीक है। तो इसको हम आर पकड़ लेते हैं तो ये कितना निकला आपका 1273.24 ओम, ठीक है। अगर हम बात करें स्टार्टिंग फील्ड की, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस तो वो कांस्टेंट है, वो तो फील्ड नहीं करेगा तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो अभी हम सिर्फ इसका ही कैलकुलेशन करते हैं। तो से यहाँ पर करंट निकलता है 0.18 एम्पियर करंट यहाँ पर फ्लो होता है किसके थ्रू, कैपेसिटर के थ्रू। तो अगर 2.5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर हम लगाते हैं तो यहाँ पर करंट कितना फ्लो होगा आपका 0.18 एम्पियर, ठीक है। 2.5 माइक्रोफैराड पर यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रहा है 0.18 एम्पियर। तो दोस्तों अगर यहाँ पर कैपेसिटर और कैपेसिटेंस अगर यहाँ पर डिक्रीज होता है तो मान लीजिए कि 2.5 से घट के आपका हो जाता है कितना, तो यहाँ पर हम पकड़ लेते हैं 1.4 माइक्रोफैराड अगर ये हो जाता है, क्योंकि कैपेसिटेंस डिक्रीज होने की वजह से ही कैपेसिटर आपका वीक होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इसका कैपेसिटर रिएक्टेंस अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कितना निकलेगा 1/25 × 1.4 × 10⁻¹⁶। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका जो कैपेसिटर रिएक्टेंस है कितना निकलता है 2273.64 ओम, ठीक है। तो अगर हम इसका करंट कैलकुलेट करें तो कितना निकलेगा आपका 230/2273.64। तो यहाँ पर आपका करंट निकलता है 0.10 एम्पियर। अगर आपका कैपेसिटेंस घट के 1.4 माइक्रोफैराड होता है तो यहाँ पर करंट कितना फ्लो करेगा आपका 0.10 एम्पियर, यहाँ पर आपका करंट फ्लो करने लगेगा। पर जो कि आपका कैपेसिटेंस डिक्रीज होने की वजह से उसका जो रेजिस्टेंस जो कि कैपेसिटर रिएक्टेंस हम कहते हैं वो यहाँ पर इंक्रीज होता है, और उसके इंक्रीज होने की वजह से जो कि आपका करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा था स्टार्टिंग फील्ड पर तो वो करंट यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। तो अगर यहाँ पर करंट डिक्रीज होता है तो उसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पर फ्लक्स भी डिक्रीज होता है, क्योंकि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, क्योंकि जितना करंट यहाँ पर इंक्रीज होगा आपका जो फ्लक्स है ये भी इंक्रीज होगा, क्योंकि हमें पता है जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स है तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कॉन्स्टेंट है, अभी कौन वेरी कर रहा है करंट, तो अगर यहाँ पर करंट वेरी करेगा तो फ्लक्स भी यहाँ पर वेरी करेगा। अगर यहाँ पर स्टार्टर पर फ्लक्स एंड करंट अगर वेरी करता है तो उसी के हिसाब से आपका जो रोटर है वहां पर भी आपका जो करंट है जो कि करंट वहां पर प्रोड्यूस हो रहा है जो कि फ्लक्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है वो भी वहां पर वेरी करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर फ्लक्स एंड करंट अगर यहाँ पर डिक्रीज होता है तो यहाँ पर जो कि टर्क है ये भी यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, और अगर स्टार्टिंग टर्क डिक्रीज होता है तो आपका जो स्पीड है फैन का या फिर मोटर का वो भी यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। ओके दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को फिर से एक बार शुरू से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन वहाँ पर आप कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेन फील्ड का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है या फिर स्टार्टिंग फील्ड का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, या आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।